प्रकाश राजभर के बेटे ने वाराणसी से ठोकी चुनावी ताल। शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अरविंद राजभर ने बीजेपी पर किया जुबानी हमला। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की ये रिपोर्ट। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद प्रथम बार हम बनारस में प्रवेश किए और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठन से लेकर के 2022 तक लगातार आप लोगों ने अपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को देश और दुनिया को दिखाने का आपने कार्य किया है, इसके लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद है। चुनावी समर चल रहा है और लगातार विपक्ष भी हमलावर है, हर कोई अपने अपने एजेंडे की चर्चा कर रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं। शिवपुर विधानसभा से सुभाजपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, महान दल, तमाम घटक दलों के माध्यम से प्रत्याशी हमको बनाया गया और जो हम लोगों ने लगातार बड़े बड़े मंचों से या फिर क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महंगाई को रोकना है और एक नारा हम लोगों ने दिया था कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, बंगाल में खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। और आप भी देख रहे हैं और आपके ही चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जो मुद्दों को लेकर के, वो मुद्दे जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं तो सबसे पहले 300 यूनिट बिजली समस्त प्रदेशवासियों को निःशुल्क दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, उत्तर प्रदेश में गरीबों का निःशुल्क इलाज हो, जो उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था है, गांव के प्राइमरी विद्यालय 21वीं सदी चल रहा है और 21वीं सदी के दौर में आज भी गांव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत कर देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए उनकी बौखलाहट बोल रही है क्योंकि जब दिया को बुझना होता है तो भभकता जरूर है, तो ये उसी प्रकार से है। माननीय हमारे योगी महाराज जी हैं और हम तो कहेंगे, हमने नोटिस भी दिया है चुनाव आयोग को कि इसको संज्ञान में लिया जाए, उनके वीडियोस को, उनकी स्पीच को संज्ञान में लिया जाए और आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया जाए, जो भी केसेस उनसे बनते हैं वो दर्ज किया जाए ताकि चुनाव प्रभावित न हो। तो वो दिया भभकने बुझने वाला है तो भभक रहा है। आगरा के विधायक के लिए खड़े हुए इश्तियाक खान, उन्होंने कहा था कि यूपी जी का पलटवार करते हुए कि यहाँ पे 5 साल तक जो है हिंदू गद्दी चली है, तो आपको इससे क्या लगता है कि ये उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? देखिए चुनाव जो है ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में है संविधान और संविधान इस चीज की गवाही नहीं देती है कि किसी के अधिकारों का हनन हो और चुनाव जब हो तो किसी पर आरोप या प्रत्यारोप या धर्म की बात या किसी मजहब की बात करके प्रभावित किया जाए। बीजेपी सदैव प्रयास करती है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, अब वो सदैव प्रयास कर रही है कि हम हिंदू मुस्लिम करके और वैमनस्यता लाया जाए और कट्टरपंथी चालू किया जाए। तो जनता समझदार है, हर लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि बीजेपी अब अपने चाल में कामयाब नहीं होने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के बड़े बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश की जनता, हर कोई समझ गया इस सरकार में कौन परेशान नहीं रहा। लेकिन सर ये सपा के कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोला। हमने क्या कहा कि बीजेपी का पलटवार हम नहीं दे सकते। मैं पहले ही कहा कि हम लोग चुनाव को बहुत शालीनता से और बहुत सज्जनता से और बहुत आराम से और आसानी से इसको लेके जाना चाहते हैं। जो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है उसमें गाइडलाइन है, उस पर हम लेके जाना चाहते हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जो भी कैंडिडेट अगर इस प्रकार से कहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आचार संहिता का उल्लंघन है, संज्ञान देना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। सारे दंगाई जब भारतीय जनता पार्टी में है तो दंगे कहाँ से होंगे? आपको ये लगता है कि जबकि कल जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिनको टिकट दे रही है उनकी पहली शर्त है गुंडा होना, भारतीय जनता पार्टी ने 86 टिकट जारी किया है, उनकी क्या शर्त रही है? वो तो चीख चीख के सोशल मीडिया बोल रहा है, जबकि नियम भी आ गया है चुनाव आयोग के माध्यम से कि आप अपने प्रत्याशी की घोषणा नामांकन के तत्काल बाद एबी फॉर्म प्रोवाइड करने के बाद C7 और C8 जो फॉर्म है उसको फिलअप करके आप मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आप और पार्टी के पेज पर उसको लगाएंगे।